हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैथ्स भाई के में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 6। बच्चों इससे पहले हमने 5 पार्ट्स बताए हुए हैं और उन पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए और उनको देखने के बाद ही आपको जो है ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उन पार्ट्स में उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम की दृष्टि से वो हमने कवर किया है। बच्चों तो आप उसको जरूर देखिएगा, है उन पार्ट्स को देखने के बाद अगर आप इस पार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पीएक्स इज इक्वल टू 41 - 24x - 18x2। बच्चों ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, एक कंपनी है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, अगर उसका प्रॉफिट फंक्शन गिवन हो बच्चों तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन पीएक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन गिवन है बच्चों वो लिख लेना है 41 माइनस का 24x और फिर क्या है बच्चों माइनस का 18x2। अब हमें फंक्शन को एक बार डेरिवेशन करना है तो 41 कॉन्स्टेंट 0 हो गया माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस का 36x हो जाएगा बच्चों, ठीक है? अब हमें क्या करना है बच्चों फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये ध्यान रखना है बच्चों, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको हर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? तो चलिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, वन सिंगल डेरिवेटिव को 0 से ट्रीट करना है, देन यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना है। तो माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, माइनस का 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 24, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना है माइनस 24 उधर जाके प्लस हो गया है और ये वाली वैल्यू जो है माइनस 36 इसके नीचे आएगा तो माइनस 24 अपॉन 36 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस उधर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 2 अपॉन 3, सॉल्व टू जा 24 एंड प्लस 3 जा 36। बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें एक्स की ये वैल्यू तो मिल गई लेकिन अभी इस पर हमें ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसके लिए हमें करना क्या होता है फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है? तो पी डबल डैश एक्स करेंगे, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस 36 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो आपके पास आएगा माइनस 36। बच्चों हमें पी डबल डैश और एक्स की जो वैल्यू आई है माइनस 2/3 यहाँ लगा देना है और आपको पता है यहाँ पे एक्स नहीं है, देन हम कह सकते हैं ये वैल्यू 0 से क्या है छोटी है तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों पीएक्स जो दिया है ना, यहाँ पे 0 से अगर छोटा आता है तो वो मैक्सिमम होता है और अगर 0 से बड़ा आता है तो वो मिनिमम होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पीएक्स इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3, मतलब बच्चों माइनस 2/3 पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है? तो अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उस फंक्शन के लिए बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा क्या, तो ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू हमको नहीं पता है तो वो हमको निकालना पड़ेगा बच्चों, तो हमें वापस इसी फंक्शन में जाना है और इस वैल्यू को वहां पे लगा देना है। तो चलिए यहां लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है? तो x की वैल्यू हम कितना लगाएंगे बच्चों यहां पे माइनस 2/3 यहां पे लिखेंगे और माइनस 2/3 इज इक्वल टू 41 लिखेंगे माइनस 24 इंटू माइनस 2/3 माइनस 18 माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3 स्क्वायर है बच्चों, तो हमें 2 टाइम्स लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो देखिए 3 जा होता है 9, 9 2 जा होता है 18, 3 जा होता है 24, तो 41 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर ये माइनस आएगा तो बच्चों यहाँ माइनस ही रहेगा और 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, प्लस वाले नंबर में ऐड कर लेने हैं बच्चों तो हम ऐड कर लेंगे और 4 और 5 4 और 1 हो जाएगा 5 माइनस 8 देन 17 में 8 जाएगा बच्चों 9 यहाँ हो गया 4 तो 49 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा बच्चों, फंक्शन का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा x इक्वल टू माइनस 2/3 पर 49 होगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों, ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच 0 से 3 के बीच क्लोज इंटरवल है, 0 और 3 को भी शामिल करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज है, इनको भी हमको शामिल करना होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज बताना है, ये हमारे पास फंक्शन होगा बच्चों। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल हमने अपने पार्ट्स में बताए हुए हैं बच्चों, हैं, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बताया जाए। तो सॉल्यूशन, तो fx इज इक्वल टू, यहां पे आप लेट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां पे फंक्शन गिवन नहीं है, fx गिवन नहीं है, तो fx मान लीजिए और ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, क्या है हमारे पास 3x टू द पावर 4 माइनस 18x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 25। बच्चों हमें आप डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए फंक्शन को, तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24, क्या लिखेंगे 24x माइनस का 48। बच्चों 48x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और 24 इज द कांस्टेंट वैल्यू, देन वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए तो लिखना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें क्या करना है बच्चों, एफ डैस एक्स को 0 से इक्वेट करना है और यहां लिखना है 12x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें से हमें पेयर बना के कॉमन कर लेनी चाहिए, तो हम यहां से 12x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 2, देन यहां से हम 24 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें x माइनस 2 बच्चों दोनों से कॉमन करना है, तो हमारा बचेगा हमारे पास बचेगा 12x स्क्वायर और इधर बचेगा प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है, देन ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा, दूसरा है 12x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 अपॉन 12, देन 12 इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 होगा, लेकिन बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, स्क्वायर इसलिए क्या है, ये वैल्यू इम्पॉसिबल है बच्चों। इम्पॉसिबल क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी वैल्यू है बच्चों, क्या है ये, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट में माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2 आई हो जाएगा बच्चों, आई इमेजिनरी पार्ट्स होता है बच्चों, इसलिए ये वैल्यू संभव नहीं है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा हमारा। तो हमारे पास केवल ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट्स आया है x इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है और बाकी जो हमारे पास जो इंटरवल्स दिया है 0 और 3, इसी के बीच में हमारा 2 आ रहा है बच्चों, तो कहने का मतलब हमें एक्सट्रीम पॉइंट और 2 जो हमारी वैल्यू आई है इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स, उन पर हमें चेक करना होगा फंक्शन पे रख कर कि हम देखेंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम है, ठीक है, फंक्शन में रखिए आप। तो हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे किस किस पॉइंट पर चेक होगा बच्चों, x इज इक्वल टू सबसे पहले 0 है, उसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट्स आया है 2, और तीसरा हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, तो 0 और 3 और उसके बीच में 2 आ रहा है, तो 0 2 3 इस पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले f x की जगह हम पहले क्या लगाएंगे, 0, तो बच्चों 0 जब लगाएंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू x की है ना, तो ये सारी 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है दूसरी वैल्यू है f2, तो जब बच्चों 2 लगाएंगे तो यहां 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, ठीक है बच्चों, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 8 जा हो जाएगा 64, ठीक है बच्चों, और 2 2 जा 4 4 12 जा कितना हो जाएगा 48 प्लस का 48 माइनस, और यहां पे 2 लगेगा बच्चों तो 48 2 जा हो जाएगा 96 प्लस 25 लास्ट में बच्चों। तो हमें क्या करना है, देखिए 48 और 48 तो कितना हो जाएगा 96, देन ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू से घट जाएगी तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है बच्चों, तो 4 में 5 नहीं जाता, 14 में 5 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 14 में जब 5 को घटाएंगे तो 9 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 9, ठीक है, और यहां बचेगा 5, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का 39, यानी जो f2 आ रहा है वो माइनस 39 आ रहा है, एक वैल्यू और बचा बच्चों 3, उस पर भी हम चेक कर लेंगे, तो 3 यहां लगाएंगे हमने, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा
243 बच्चों, 243 आप चाहे तो इंटू करके देख सकते हैं, ठीक है। त्रिजा 9, त्रिजा 27, 27 त्रिजा कितना होता है, ठीक है 81, और 81 में हम जब 3 से इंटू करेंगे तो 243 आएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस करिए, 3 त्रिजा 9, त्रिजा 27 हो जाएगा, और 27 का हम जब इंटू करेंगे बच्चों ऐसे 27 इंटू 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे 6 और ये 5 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 216। ये तो बच्चों 216 आ रहा है, हम यहाँ पे लगाएंगे 216, क्या लगाएंगे 216 लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे उसके बाद प्लस, ठीक है, और फिर 12 है यहीं पे लगा लीजिए प्लस प्लस 12, और 3 का हम दो टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो 3 जा 9, और 9 12 जा कितना होता है 108, ठीक है, तो यहाँ पे हम 108 लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब फिर इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 3 8 जा 24, 2 कैरी आएगा, 3 4 जा 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो 144 आ जाएगा, 144 और प्लस का 25, प्लस का 25। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्लस वाले नंबर्स अलग ऐड कर लेने, 8 5 हो जाएगा 13, और 13 और 3 जाएगा 16, ठीक है, और 2 और 1 हो गया 3, 3 3 3 3 3 4 7 हो गया, और 7 और 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 376 आ गया, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 6 और 4 हो गया 10, और 1 और 4 5, और 8 कैरी हो गया 6, 2 और 1 3 हो गया बच्चों, तो अब इसको घटाएंगे तो आपका 6 और ये 7 में 6 जाएगा 1, यानी 16 आएगा बच्चों, क्या आएगा 16। तो बच्चों हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताना है, तो आपको इन तीनों फंक्शन में जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं क्रिटिकल उसको देखिए, ये तीनों पार्ट में, तो किस पर मैक्सिमम आ रहा है, किस पर मिनिमम आ रहा है, देख सकते हैं 25 सबसे बड़ी वैल्यू है, देन हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू एट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये हमारा होगा बच्चों मैक्सिमम, ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये हमारे पास क्या होगा मिनिमम वैल्यूज होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमारा मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और एट एक्स इक्वल टू 0 पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, और ये इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमारे केवल ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए बच्चों, इसको आप जरूर देखिएगा। इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेम्प्ट्स इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है वो गिवन है, यानी अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि अदरवाइज आपको दूसरी कोई एक फंक्शन में वैल्यू है उसको फाइंड करना है, इसके लिए उसने क्रिटिकल पॉइंट्स दिया है। बच्चों आप एक बात याद रखिए, अगर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होता यहाँ पे समझिए, तो हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमको जीरो से इक्विट करते तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आपको ए की वैल्यू उसमें आने लगती, तो ए और एक्स दोनों कॉम्बिनेशन में होते, इसलिए संभव नहीं है कि हम ए की वैल्यू निकाल पाते, इसलिए पहले से ही उसने क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे पास फंक्शन लिखा नहीं, लेट एफएक्स कर लीजिए, तो एफएक्स हमारे पास है x टू द पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। बच्चों इसको तुरंत डिफरेंशिएट करना है, 4x क्यूब माइनस 2 जा 4 और 2 6 जा होता है 12x, ठीक है, प्लस ए एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है और 9 का 0 होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें ये चीज बहुत ध्यान से रखना है बच्चों, मिनिमा के लिए क्या करना है, मिनिमा के लिए हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट जो वैल्यू है उसको जीरो से इक्विट करना है। तो चलिए ये वैल्यू हम लेफ्ट पे लिख लेंगे, तो 4x क्यूब माइनस का 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे याद रखना है x हमको गिवन है, देन हमको पुट करना है, तो यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो यहां लगाइए 4 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 होगा, 124 इनटू 1 होगा प्लस a इज इक्वल टू 0, लाइक दैट
हमको इसको सॉल्व कर लेना है। 4 आएगा बच्चों 124 हो जाएगा, 124 में 4 माइनस होगा तो कहीं ना कहीं 120 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 120 प्लस a इज इक्वल टू 0। बच्चों a कितना मिलेगा 120, यानी a इज इक्वल टू 120 आ गया बच्चों। अब हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज के लिए ये पता कर, सिर्फ a की वैल्यू ही निकालनी, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, लेकिन ये कह रहा है कि इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कब करेगा वैल्यू, जब हम मैक्सिमम, लिखा हुआ है कि फंक्शन अटेन इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि a इज इक्वल टू 120 जो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मैक्सिमम है, तो हमको अब चेक भी नहीं करना है क्योंकि उसने पहले से ही बोला है हमको सिर्फ a का मान बताइए जब उस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों कि मैक्सिमम फंक्शन लीजिए फंक्शन, या हम ऐसे लिख सकते हैं fx इज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज इक्वल टू 120। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम तो है किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर, लेकिन उसमें a नहीं था, तो a की इस वैल्यू पर x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल था और इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए हम ऐसा सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, कल हम फिर इसी तरह के और भी सवाल आपके पास लेकर आएंगे और हमसे आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक बाय टॉपिक वो चीज दे रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमको और बताएं कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें या इस चीज पर हमें थोड़ा सा वीडियो बनाइए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे बच्चों। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को ये चीजें, जो भी चीजें हो, सीरियल से हर चीज समझ में आएगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इधर उधर की बजाय अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो लगातार कंटिन्यू उसको बनाए रखें। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।